अब आप लोगों ने यहाँ पे स्टेप नंबर टू की जानिब जाना है, लेकिन स्टेप नंबर टू की जानिब जाने से पहले आप लोगों को एक दरखास्त करना चाहता हूं कि जो काम मैं खुद बता रहा हूं उसी के ऊपर आप काम करेंगे तो यहां पर मैं आप लोगों को गारंटी और श्योरिटी देता हूं कि आप लोगों को अर्निंग हो जाएगी। और कीजिएगा, यहां से मैं क्या करता हूं, सिंपली तौर पर आता हूं गूगल के ऊपर, आप लोगों ने आगे लिखना है मिक्सकिट। अब ये वो वेबसाइट है, वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को फ्री में बहुत सारी इमेजेस मिलती है, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से है, लाइफ स्टाइल की है, एनिमल्स की है, फूड की है, ट्रांसपोर्ट की है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने काम कैसे करना है, यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली तौर पर आना है यहां से अपनी डिजिटल प्रोडक्ट को अपलोड करके पैसे कमाने हैं। प्रोडक्ट के ऊपर मैंने आपके सामने क्लिक कर दिया, यहां पर आप लोगों के सामने न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है, आप लोगों ने यहां से इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने प्रोडक्ट का नेम क्या रखना है, भाई सिंपल बात है कि आप लोग यहां पे आएंगे, जो भी कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं नेचर के ऊपर काम करना चाहता हूं तो नेचर की आपकी कैटेगरी बन जाएगी, अगर आप लोग एनिमल्स की पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो एनिमल आपकी कैटेगरी बन जाएगी, अगर आप लोग फूड की करते हैं जो कैटेगरी आप लोग यहां पे सेलेक्ट करेंगे लाइक एनिमल्स की करते हैं, नेचर की करते हैं, फूड की करते हैं, ट्रांसपोर्ट की करते हैं, वही आपकी कैटेगरी बन जाएगी और वही आपका प्रोडक्ट का नेम होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से नेचर की ओपन करता हूं, नेचर की ओपन करने के बाद आपके सामने नेचर की तमाम इमेजेस आ जाएगी जो कि डिजिटल आपका एसेट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग किसी एक वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से यहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली तौर पर प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है, प्रोडक्ट का नेम रखना है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं नेचर कैटेगरी के ऊपर काम करता हूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं नेचर ब्यूटी, ये मेरी कैटेगरी का नेम बन जाएगा। आप लोगों ने भी इसी तरह से अपनी कैटेगरी का नेम रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे टाइप, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, आप लोग परेशान हो जाएंगे, यहां पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता, चाहे नेचर की है, चाहे बिजनेस की है, एनिमल के कुछ भी है, आपने डिजिटल प्रोडक्ट ही रखना है क्योंकि आप लोग डिजिटल एसेट सेल करने वाले हैं। गौर कीजिएगा, नीचे आइएगा, यहां पर आप लोगों ने प्राइस रखनी है। अब आप लोग प्राइस अपनी मर्जी से ना रखिएगा, फिर आप लोग कहेंगे सर मेरे ऑर्डर्स नहीं आ रहे मेरे स्टोर के ऊपर। देखिए प्रॉपर एसईओ के साथ बता रहा हूं काम कैसे करना है, हर एक चीज का तरीका होता है। $5 आपका मैक्सिमम होना चाहिए। देखिए अगर दिन में दो एसेट भी आपके सेल होते हैं $10 तो आपके सिंपली तौर पर बन गए, तीन अगर सेल होते हैं $15 तो बन गए, इसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा। आप लोगों ने सिंपली तौर पर सिर्फ यहां पे टाइम देना है और वही टाइम को कंज्यूम करने का तरीका आपको बता रहा हूं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर आना है, यहां से आप लोगों ने सिंपली तौर पर नेक्स्ट कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट कस्टमाइज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, यहां पर आप लोगों ने छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी है अपनी इमेज के हवाले से। फॉर एग्जांपल मेरी कैटेगरी नेचर के हवाले से है तो मैं सिर्फ आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, आप लोग चाहे तो सेम टू सेम लिख सकते हैं। लीजिए यहां पर मैंने सिर्फ एक ही जुमला लिखा है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, आई एम हेयर टू शेयर द नेचर ब्यूटीफुल इमेज फॉर माइंड रिलैक्सेशन, ये मेरी डिस्क्रिप्शन हो चुकी है। उसके बाद नीचे आएंगे, ये आपका लिंक बन जाएगा, इस लिंक का क्या करना है वो भी बता दूंगा, फिलहाल आपका इससे कोई काम नहीं है। उसके बाद नीचे डोमेन है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। नीचे आएंगे, यहां पर आप लोगों से कवर इमेज मांगी जाती है। अब आप लोग सिंपली तौर पर क्या करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे, यहां से कंप्यूटर फाइल, अगर आप लोग कंप्यूटर में यूज करें तो कंप्यूटर फाइल आएगा, अगर आप लोग मोबाइल में यूज करें तो मोबाइल फाइल आएगा। सिंपली तौर पर क्लिक करना है और अपनी उसी प्रॉपर्टी को आप लोगों ने उठा के अपलोड कर देना है। तो यहां पर मेरी प्रॉपर्टी सिलेक्ट हो चुकी है, सिंपली तौर पर मैंने यहां पर लगाई और ये अपलोड भी हो चुकी है। यहां पर नीचे देखें तो आपके सामने एक थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, ये वो चीज होती है जो कि आपकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से यूट्यूब की वीडियो को। यहां पर आपके पास एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जिस तरह से यहां पर देखिए लिमिट प्रोडक्ट सेल, कि आप लोग कितनी लिमिट तक सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, अलाउ कस्टमर टू चूज ए क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चूज करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहे तो ये लिमिट भी सेट कर सकते हैं। यहां पर आप लोग को मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर नहीं करना चाहते, जैसे मैं नहीं करना चाहता, तो सिंपली तौर पर आप लोग यहां से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग कहते हैं पब्लिश एंड कंटिन्यू, तो मैं यहां से इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं पब्लिश का ऑप्शन आ चुका है, इसका मतलब है मेरी प्रॉपर्टी पब्लिश हो चुकी है, अब ये ऑडियंस के सामने चली गई है। अब यहां पर क्या होगा, सिंपली तौर पर अगर आप लोग यहां से प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें तो आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी आ चुकी है जो मैंने अपलोड की है आपके सामने, अब ये लाइव हो चुकी है और यहां पर इसकी रेटिंग आ रही है, यहां पर उसकी प्राइसिंग आ रही है $5 है। अब यहां से क्या होगा, कोई भी बंदा आएगा, इसको परचेस करेगा, डेफिनेटली $5 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, अगर दो करेंगे $10 का हो जाएगा। अब ये पिक्चर जितनी मर्जी बार भी सेल हो, ये पिक्चर रहनी तो मेरे पास है, चाहे मैं इसे लाख बार सेल करूं, डिजिटल प्रोडक्ट का ये फायदा होता है। अगर आप लोग इसके ऊपर स्टोर क्रिएट करते हैं तो यकीन जानिए फायदा आपको 100% होगा, नुकसान आपको कोई भी नहीं होगा। ये तो हो गया दोस्तों इसका अर्निंग का प्रोसीजर। अब आप लोग कहेंगे